नमस्कार, मैं हूं पारुल गंगवार और आप देख रहे हैं यूपी की आवाज। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। जननी सुरक्षा योजना में 125 करोड़ का घोटाला क्या हुआ? फरक्काबाद की स्वास्थ्य विभाग पर बदनामी का दाग लग गया था। 2010 में हुए इस महाघोटाले में तत्कालीन सीएमओ डॉक्टर हसीन खान समेत 6 डॉक्टर नपे थे। लखनऊ से डॉक्टर शोभा नाथ के नेतृत्व में आई महकमे की टीम ने यहां जांच पड़ताल की थी। 7 साल बाद इस महाघोटाले के आरोपी जगदीश कटियार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। फरक्काबाद में किस तरह जननी सुरक्षा योजना के पैसों को अधिकारियों ने अपने खाते में जमा किया, घोटाला तो खुला, घोटाले की जांच भी हुई, अधिकारियों के नाम भी उजागर हुए। प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के दिए गए करोड़ों रुपए का किस तरह बंदरवाट किया, इस मामले में फरक्काबाद के तत्कालीन सीएमओ को निलंबित किया गया। आरोपी जगदीश कटियार 7 साल से फरार चल रहा था। लखनऊ न्यायालय ने जगदीश कटियार के हाजिर न होने पर कुर्की के आदेश दिए थे। न्यायालय के आदेश के बावजूद पुलिस की मिली भगत से आरोपी के घर से कुर्की नहीं हो पा रही थी और न ही गिरफ्तारी हो पा रही थी। 7 साल बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़कर थाने में बैठा लिया। भोलेपुर चौकी इंचार्ज हरिंद्र सिंह ने अपने अधिकारियों को जगदीश कटियार की गिरफ्तारी की जानकारी तक नहीं दी। जब मीडिया के पहुंचने पर SHO ददिबल तिवारी से पूछताछ की तो उन्होंने जानकारी दी कि SHO ने फोन से भोलेपुर चौकी इंचार्ज हरेंद्र सिंह से घटना की जानकारी ली तो चौकी इंचार्ज हरेंद्र सिंह ने गिरफ्तारी की बात स्वीकार की। योगी सरकार में रिपोस्टिंग पर रोक लगा दी थी। रोक के बावजूद भी पुलिस अधीक्षक मृगेंद्र सिंह ने सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए अपने करीबी हरेंद्र सिंह की भोलेपुर चौकी पर रिपोस्टिंग कर दी। जो इसका कुर्की का आर्डर है, कुर्की का आर्डर है, उस आर्डर के हिसाब से जगदीश नारायण कटियार पुत्र गिरीश चंद कटियार नेकपुर कला का रहने वाला है हमारे थाना क्षेत्र, इसका एक कोर्ट से वारंट है, सेशन कोर्ट लखनऊ से। और ये कुर्की का आदेश देखने से लग रहा है कि ED द्वारा इसकी विवेचना की गई है और अन्य स्रोतों से जो मुझे जानकारी मिली उसके हिसाब से NHRM घोटाले का ये आरोपी है, जिसके विरुद्ध ED ने कुर्की के बाद चार्जशीट लगाई थी और माननीय न्यायालय में अभी तक हाजिर नहीं हुआ है।